हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से खुशहाल परिवार में। दोस्तों, फरवरी माह आने वाला है। आप सोच रहे हैं कौन सी जो है सब्जियाँ बोई जाएं ताकि अच्छा उत्पादन मिल सके, मार्केट में अच्छा रेट मिले और अच्छा मुनाफा मिल सके। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ सब्जियों के बारे में बताऊँगा। अगर इन सब्जियों की आप खेती करते हैं तो वाकई में आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तो कौन कौन सब्जियाँ हम बो सकते हैं, तो पहली आप सब्जी तो जो काफ़ी अच्छा रेट और काफ़ी ज़्यादा फायदा देती है, काफ़ी किसान बोते भी हैं, लेकिन आप समय से अगर बोते हैं तो उसका उत्पादन आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा। सबसे पहले खेत की तैयारी। खेत की तैयारी के लिए आप खेत को जुतवा लें, अच्छे से उसकी जुताई कर लीजिए। एक एकड़ में लगभग 3 से 4 टन गोबर की खाद डलवा दीजिए। 1 बैग DAP, पोटास 1 बैग, 25 किलोग्राम यूरिया उसमें जो है खेत में मिलवा दीजिए। अब आपका खेत जब पूरी तरह से तैयार हो जाए तो आपको बीजों को बोना है। अब कौन कौन से बीजों को हम बो सकते हैं, तो सबसे फेवरेट जो फसल है भिंडी की, काफ़ी किसान बोता है और काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देती है भिंडी के। ताप लगभग 20 सेल्सियस से ऊपर का तापमान है तो आप भिंडी की फसल बोइए, काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। कुछ वैरायटी भिंडी की आती हैं जैसे एडवांटा की, राधिका के नाम से काफ़ी फेवरेट जो है भिंडी है, काफ़ी ज़्यादा लोग उसको बोते हैं। अंकुर की 40 नंबर भिंडी आती है, इसकी भी बुआई कर सकते हैं। तो ये भिंडी की फसल है। शुरुआत में से एक लगभग आपको 2 से 3 तुड़ाइयों तक इसके रेट जो है काफ़ी अच्छे मिलते हैं, यानी मई के आसपास तक इसके काफ़ी रेट, मई से जून तक रेट अच्छे मिलते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रेट क्या होते हैं, कम होने लगते हैं, लेकिन लगभग 100 रुपये तक के भिंडी के भाव जो है मार्केट में 100 रुपये किलो लगभग भिंडी मिल जाती है। तो आप इसकी बुआई करिए, काफ़ी बेहतर मुनाफा आप कमा सकते हैं। उसके बाद दूसरी फसल है तुरई की। तुरई काफ़ी फेवरेट फसल है और इसके रेट जो है 20 रुपये से किलो कभी घटे नहीं है, चाहे इसका रेट कितना भी डाउन क्यों ना हो जाए। तो 40 से 60 रुपये किलो के आसपास इसका जो है रेट मार्केट में बिकती है। तो इसकी बुआई आप कर दीजिए, कम समय में काफ़ी अच्छी जो है उत्पादन देने वाली फसल है। 50 दिन के आसपास अगर आप अच्छी वैरायटी के चुनाव करते हैं तो 50 दिन के आसपास आपकी जो है फल टूटने लगेगा। तो भिंडी आप जो है तुरई की फसल को बो सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी फसल बो सकते हैं, लौकी। लौकी भी लगभग तुरई के आसपास ही तैयार, 50 दिन के आसपास जो है तैयार होने वाली टूटने वाली फसल है। 50 दिन में लगभग इसके फल टूटने लगते हैं, तो इसकी बुआई आप कर सकते हैं, काफ़ी जो है बेहतर फसल है ये लौकी। इसके अलावा कौन सी फसल बो सकते हैं, इसके अलावा आप खीरा बो सकते हैं। किसी भी कंपनी का हाइब्रिड खीरा अगर आप बो देते हैं, खीरा गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा बिकता है, गांव-गांव में ठेलों में देखो आप क्या है खीरा बिकता है। तो इसकी बुआई कर दीजिए आप, खीरा आसानी से और पूरे साल बिकने वाली फसल है। लगभग 30 से 40 रुपये तक का ये खीरा के भाव जो है बिकता है। अगर उत्पादन बेहतर हुआ तो काफ़ी जो है अच्छा मुनाफा दे के जाएगा एक एकड़ में। अच्छी वैरायटी का आपको चुनाव करना है और खेत की तैयारी करना है अच्छे, और हमेशा फसल को क्या है, 10-15 से 20 दिन में खेत में दवाओं का छिड़काव करते रहना है ताकि किसी प्रकार के जो रोग हैं वो लगे ना। तो खीरा का आप बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कौन सी बुआई कर सकते हैं, कद्दू। कद्दू भी काफ़ी अच्छा फसल है और ये पूरे साल के पूरे महीनों बिकने वाली फसल है। गर्मियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा खीरे की डिमांड बढ़ जो आपके कद्दू की डिमांड बढ़ जाती है, इधर सीजन आने लगता है जो है, तो उसमें क्या होता है कद्दू की काफ़ी खपत बढ़ जाती है। तो आप इसकी बुआई कर दीजिए, 50 दिनों में ये भी फसल काफ़ी अच्छा उत्पादन देगी। और अगर आपने खेत की तैयारी सही से की, अच्छे बीज के चुनाव किया, तो निश्चित ही आप जो है अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसकी फसल बुआई करके। तो लगभग एक आलू के वजन जो है, एक कद्दू के फल का वजन 3 से 5 किलोग्राम तक होता है। अगर अच्छी उत्पादन आपने समय से ध्यान देकर किया तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो ये जो है काफ़ी अच्छी फसल है, इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी फसल बो सकते हैं, तो इसके अलावा आप बो सकते हैं खीरे की फसल को। खीरे को हमने बता दिया, करेला की फसल को करेला बो सकते हैं। करेला हर हमेशा बिकने वाली जो है सब्जी है, ये तमाम रोगों में काम करती है। अगर इसका लगातार सेवन किया जाए तो डायबिटीज और कई समस्याएं जो है समस्याओं से छुटकारा पाया सकता है। तो आप इसकी बुआई कर दीजिए, काफ़ी अच्छे रेटों में बिकता है। उत्पादन की बात की जाए तो कम समय में अच्छा उत्पादन देता है ये। आपको मई से जून तक क्या होगा,
उत्पादन देता रहेगा। 2 से 3 तुड़ाइयों में काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा। इसके बाद जब ज़्यादा किसानों के पास होता है तब रेट इसके घट जाते हैं, नहीं तो काफ़ी अच्छा इसका रेट मिलता है। तो आप करेले की बुआई कर दीजिए, काफ़ी अच्छी फसल है। आप तो इन सब्जी वैरायटियों में आप बुआई कर सकते हैं जो हमने बताई है। कम समय में बेहतर उत्पादन के लिए आप अच्छे बीजों का चुनाव करिए। पौधे को समय समय पर देखते रहिए, दवाओं को छिड़काव करते रहिए। बीजों को हमेशा उपचारित करके ही बोएं। खेत में नमी पर्याप्त हो तभी बोएं और मौसम की अनुकूल स्थिति को देखकर ही बीज बोएं, ताकि आप अच्छा बीजों का अच्छा लाभ उठा सकें। क्योंकि अगर मौसम में ठंडी ज़्यादा होती है और बीज बो देते हैं तब जमाव अच्छा नहीं होता, आपकी फसल जो है पैसा नष्ट हो जाता है। तो आप इन सभी चीज़ों को देखते हुए फसल को जो है बुआई करिए और बेहतर आपको लाभ मिलेगा। तमाम जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप इन सभी प्रकार ये सभी बीज हमसे चाहते हैं तो आप हमारा एक एप्लीकेशन देहात किसान के नाम से है, जो कि लिंक पे वीडियो में लिंक दिया गया है, यहाँ से आप डाउनलोड करके कि सभी प्रोडक्टों को ऑनलाइन आपके होम डिलीवरी करवा सकते हैं। तो डाउनलोड कर लीजिए देहात किसान ऐप को और सारे प्रोडक्ट घर पर मंगवाइए, पक्के बिल के साथ और वो ओरिजिनल प्रोडक्ट। तो दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले में, तब तक नमस्कार।